आज जो श्री अकाल तख्त साहब का आदेश है उसके आदेश के मुताबिक सारी अकाली हमारी लीडरशिप, हमारे अध्यक्ष, बाकी हमारे साथी, साबका मंत्री सभी आज हाजिर। जो शिकायत हमारे खिलाफ हमारे ही पुराने साथियों ने दी थी, जब उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था तो तब भी हमने समर्पण भावना से सारा स्पष्टीकरण दिया था, कुछ भी तर्क दलीलें नहीं दी थी और सारा कुछ अपनी जोड़ी में डाला था। तो वही भावना आज है कि जो भी तक सब का फैसला होगा हम स्वीकार करें। ये पार्टी का नुकसान ही आपस में दो-दो में बांटना और किसी को लेके ही शिकायत होना, पार्टी का नुकसान तो होता है ऐसी बातें। नहीं, कुदरती बात है, जब पार्टी के कुछ लीडर ऐसे बातें खड़ी करते हैं पार्टी में दुविधा पड़ती है, नुकसान होता है। लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, हमने तो कोशिश की है कि सबको साथ लेके चलने की, लेकिन उन्होंने पार्टी फोरम पे बात नहीं की, वो श्री अकाल तख्त साहब पे आ गए, तो कोई बात नहीं, ये सबका साझा तख्त है, आप जो फैसला होगा हमें प्रवान होगा। आगे से ध्यान दिया जाएगा कि ये ऐसा दोबारा ना हो, आपसे पार्टी ना बढ़े। नहीं, अभी सिंह साहबान क्या आदेश देंगे उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, एंटीसिपेट नहीं कर सकता, वो तो उनका अधिकार की तरह। हम तो समर्पण भावना से आए हैं, जो आदेश होगा स्वीकार करेंगे। सब अकाली लीडर आएंगे? हाँ सारे।